हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में हम एक ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे और एक ऐसे ऐप के बारे में बात करेंगे जिसने पहलगाम मचा दिया हुआ है। गाइस, आप सभी को पता है कि इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है, सो उसकी वजह से जितने बेचारे टिकटॉकर्स थे बेरोजगार हो चुके हैं और सभी टिकटॉकर्स अभी अपने अपने मतलब घर पे बैठे हुए हैं। सो उन लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन आई है, बट कोई भी एप्लीकेशन उतना वेल नोन नहीं हुआ है जितना टिकटॉक था, बिकॉज टिकटॉक एक ऐसा ऐप था जो पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाला था। सो उनका दुख दर्द बांटने के लिए अभी इंस्टाग्राम ने भी वो रेस में लाइन लगा दी है, मतलब वो भी रेस में भागने लगी है। इंस्टाग्राम भी एक नया फीचर लेकर आया है अपने अंदर जो एकदम हूबहू टिकटॉक के जैसे था। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो फीचर क्या है, उसको यूज कैसा करते हैं, वो वर्क कैसा करता है। सो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे कूल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोग के लिए लाता रहूं। सो अभी की वीडियो में इतना ही बोलूंगा, टिकटॉकर्स अपना कैमरा उठाओ, अपना लेंस उठाओ, अपना ट्राइपॉड उठाओ और लग जाओ काम पे। काम पे लगने से पहले ये वीडियो पूरी देखना, बिकॉज ये वीडियो में वो ऐप के बारे में, वो फीचर्स के बारे में आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। और आपका यहाँ पे एक और फीचर ये रहेगा, मतलब एक और बेनिफिट ये रहेगा कि पहले आप टिकटॉक से एंगेजमेंट बुलाते थे इंस्टाग्राम पे, बट अभी आपको कहीं से कोई एंगेजमेंट बुलानी नहीं है, आपको इंस्टाग्राम पे ये वीडियो डालनी है, वहीं अपलोड करनी है, वहीं से लोग आपको फॉलो कर लेंगे। सो चलिए चलते मोबाइल की स्क्रीन पे और सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। सो देखते रहिए वीडियो और लेट्स गो टू मोबाइल स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हमारे मोबाइल में। सो चलिए बता देता हूँ आपको फीचर का नाम। जी हाँ गाइस, इंस्टाग्राम ने भी एक न्यू फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है रील्स, जो हूबहू टिकटॉक के जैसा है। सो चलिए मैं आपको जाके बता देता हूँ इंस्टाग्राम में कि उसे कैसे यूज करना है और क्या क्या मतलब कैसे उसमें वीडियोज बनानी है। सो ये मेरा इंस्टाग्राम है, लेकिन गाइस उसके लिए पहले आपको जो इंस्टाग्राम रखना है वो अपडेटेड रखना है। अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेटेड नहीं रहेगा तो मतलब आप वो यूज नहीं कर सकते हो। सो जैसा कि मैंने चालू किया मेरा इंस्टाग्राम है, और अगर मैं आपको मेरी प्रोफाइल दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल भी देखने मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाके आप फॉलो कर दीजिए, बिकॉज चैनल रिलेटेड जो भी अपडेट रहते हैं मैं आपको इंस्टाग्राम पे ही देता रहता हूँ। सो ये फीचर्स के लिए आपको जस्ट जाना है आप जहाँ पे स्टोरी आप अपडेट करते हो, सो योर स्टोरी पे क्लिक करना है। जैसे आप योर स्टोरी पे क्लिक करेंगे, देखिए नीचे का जो ऑप्शन है वो साइड में आ गया, ये बूमरैंग एंड जो भी कॉलेज है, और नीचे वहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए। पहले दो ऑप्शन रहते थे, एक लाइव का है, एक स्टोरी का है, एंड थर्ड ऑप्शन आ गया है रील्स का। जी हाँ गाइस, सो जैसे आप थर्ड ऑप्शन पे रील्स का करेंगे आपसे वो पूछेगा क्रिएट विथ रील्स, देन आपको उसको गेट स्टार्टेड करना है। जी हाँ, जैसे आप उसे गेट स्टार्टेड करोगे आपको बहुत सारे फीचर्स दिखने लगेंगे। सो चलिए मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ। सो जैसे मैंने गेट स्टार्टेड किया मुझे साइड में चार ऑप्शन दिखने लगे, जैसे टिकटॉक में ऑप्शन रहता था ऑडियो का, टाइमर्स का, स्टिकर्स का। सो अगर पहले अगर आप किसी का लिपसिंग करना है तो आपको जस्ट ऑडियो पे क्लिक करना है, आपको कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट करना है तो वहाँ से आप लिपसिंग कर सकते हो। गाइस लिपसिंग बाद में अगर आपको स्लोमो बनाना है, स्लोमो या फास्ट मोशन कोई भी वीडियोस बनाना है, सेकंड नंबर के ऑप्शन पे है टाइमर। सो यहाँ पर आप टाइमर सेलेक्ट कर सकते हो, आपका स्लोमो फास्ट मोशन बना सकते हो। सेकंड में थर्ड है फिर इफेक्ट, इफेक्ट जैसे आप टिकटॉक में इफेक्ट देते थे वैसे आप यहाँ भी इफेक्ट दे सकते हो गाइस। सो ये यहाँ पे हो गया इफेक्ट। चौथा है टाइमर, टाइमर जैसे आप टिकटॉक में सेट करते थे 6 मिनट 6 सेकंड का वीडियो था एंड देन फिर आप ट्रांजिशन, जैसे ट्रांजिशन वीडियोज बनाते थे टाइमर सेट कर करके, तो यहाँ भी आप वो टाइमर सेट कर करके आप बना सकते हो, पार्ट में भी यहाँ पे वीडियो बना सकते हो। सो चलिए मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा देता हूँ। पहले मैंने टाइमर सेट किया सिर्फ जस्ट 6 सेकंड का। सो ये मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ, यहाँ से वीडियो स्टार्ट होने से पहले टाइमर पूछेगा, तो मेरा टाइमर था तो टाइमर हो गया। देखो गाइस यहाँ पे मैंने 6 सेकंड का वीडियो बनाया, ये मेरा एक पार्ट वीडियो बन गया। अभी हमें जैसे जैसे आप वीडियो बनाना है वैसे वैसे यहाँ पे जैसे टिकटॉक में प्रेस करके रखते थे वैसे यहाँ भी प्रेस करके रखना है, तो जैसे जैसे आप प्रेस करोगे वैसे वैसे यहाँ पे वीडियो बन जाएगी। तो गाइस अगर आप इसमें देखोगे कि आप बोलोगे कि यार इसमें कोई वीडियो मिस्टेक हो गई तो वो कैसे करें, तो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं कुछ पार्ट्स बना देता हूँ वीडियो के। सो ये मेरे दो पार्ट्स हो गए वीडियो के। सो अगर आप जो साइड में एरोज दिख रहे वो एरोज पे आप क्लिक कीजिए, अगर आप लेफ्ट साइड के एरो पे क्लिक करेंगे तो वहां से आपको कुछ भी अगर कट करना है आपकी वीडियो में, कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप वो कर सकते हो। देखिए गाइस
यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मेरा वीडियो डिलीट कर सकता हूँ, उसमें कुछ काट करके मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, डिलीट करना है तो डिस्कार्ड कर दीजिए। और वही राइट साइड के एरो पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप राइट साइड के एरो पे क्लिक करोगे ये वीडियो एक बार प्रोसेस होगा जैसे टिकटॉक में प्रोसेस होता था, फिर प्रोसेस होने के बाद ये सीधा शेयर पे चला जाएगा। अभी आप बोलोगे कि इसमें हम वीडियोस देखे कैसे जैसे टिकटॉक में देखते थे, तो गाइस उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको जस्ट आपके सर्च ऑप्शन नीचे सेकंड ऑप्शन में सर्च ऑप्शन दिखा है, सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको रील्स का वीडियोस दिख जाएगा। तो आपको जैसे रील्स की वीडियो पे क्लिक करना है, जैसे आप रील्स की वीडियो पे क्लिक करोगे आप खाली स्वाइप करते जाइए, आपको सारी वीडियोस दिखेगी जैसे टिकटॉक में दिखती थी। मतलब टिकटॉक में भी वीडियोस देखने के लिए आपको स्वाइप करना पड़ता था, स्वाइप अप करते तो दूसरी वीडियो आ जाती थी। गाइस यहाँ भी वैसे ही सेम है, जैसे जैसे आप स्वाइप अप करोगे आपको न्यू वीडियो दिखेगी। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे किसी की वॉइस में कैसे बनाए वीडियो। सो अभी अगर मैं कोई वॉइस सेलेक्ट करूँ, सो समझिए मैंने ये वॉइस सेलेक्ट किया, जैसे आप टिकटॉक में वॉइस पे क्लिक करते थे आपको यहाँ पे वो ऑडियो यूज कर सकते हो, तो यहाँ भी वही करना है और यूज ऑडियो पे क्लिक करना है। जैसे आप यूज ऑडियो पे क्लिक करेंगे आपको रील्स का ऑप्शन आ जाएगा, देन आपको रील्स पे क्लिक करके रखना है एंड देन वो ऑडियो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और आप वहाँ से लिपसिंग कीजिए या जो भी वीडियो बनाना है वो वीडियो बनाइए। जैसे वो वीडियो आपकी लिपसिंग या वीडियो बन जाए आपको राइट साइड के एरो पे क्लिक कीजिए, जैसे आपके राइट साइड के आप एरो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्रोसेस होगा, वापस से एक बार क्लिक करेंगे देन आपको वहाँ पे शेयर। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, सो ये मैंने राइट साइड पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया मुझे यहाँ पे मेरी वीडियो आ गई एंड देन जो भी मुझे डिस्क्रिप्शन डालना है जैसे हम टिकटॉक में डिस्क्रिप्शन डालते थे वैसे। यहाँ का एक फीचर ये है कि इसे आप आपकी इंस्टा स्टोरी पर भी डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर सकते हो, आपकी इंस्टा जो पोस्ट है आप डायरेक्टली उसमें भी शेयर कर सकते हो, नीचे जो ब्लू कलर का आइकॉन है अगर उसमें करना है तो ब्लू कलर पे रहने दीजिए वरना फिर कट कर दीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप टिकटॉक के जैसे हैशटैग डालते थे यहाँ भी आप वो हैशटैग डाल सकते हो, मतलब देखा जाए तो पूरा एकदम टिकटॉक के जैसे डिट्टो सेम है। तो आप भी चाहिए यूज़ कीजिए, अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट नहीं है तो पहले इंस्टाग्राम अपडेट कीजिए, बाद में आप ये फीचर का आराम से मजा ले सकते हो। तो सेटिंग कैसी लगी आप भी जाके आपके फोन में चेंज कर सकते हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो चीज आपको पता नहीं थी या पता भी थी तो यार दूसरों को पता चलना चाहिए ना, ताकि वो लोग भी जाए इंस्टाग्राम पे वीडियो डाले वहां पॉपुलर हो जाए यार। गाइस थोड़ा दूसरों का हेल्प कर दिया करो, तो जितना हो सके उतना मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए और देख